जय माता दी। दोस्तों, आपका मेरे चैनल धर्म संचय में स्वागत है। आज का वीडियो दुर्गा सप्तशती का पाठ कैसे करें पर है। चैत नवरात्रा प्रारंभ होने वाला है, ये आपके लिए बहुत उपयोगी है। अगर आपको मेरा ये प्रयास पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। देवी नवरात्रा में साधारणतः 9 दिनों में नवचंडी, सतचंडी इत्यादि का पाठ होता है जो सर्वविदित है, परंतु श्रद्धा आस्था रहते हुए भी स्वयं पूरा पाठ न कर सकने वालों के लिए विशेष क्रम शारदा तिलक में उल्लेखित है जो सर्वमान्य के लिए बहुत ही उपयोगी है। इसका सूत्र है पाठो अयम वलंकारः। इसमें पा का अर्थ है एक, क्योंकि प प व भ में प्रथम प प्रथम है, इसीलिए पा का एक कहा है। ठो अर्थात दूसरा, अयम बराबर ए पहला, ब बराबर तीन और का बराबर एक, र बराबर दो, जिसका कुल योग होता है 13। पहले दिन कवच, अर्गला, कीलक, रात्रि सूक्त, नवार्ण आदि का जप करिए। मैं फिर से एक बार बोल दे रही हूँ। पहले दिन कवच, अर्गला, कीलक, रात्रि सूक्तम, नवार्ण जप आदि करें। दूसरे दिन से आठवें दिन तक 7 दिन में कुल 1, 2, 1, 3, 3, 1, 2 = 13 अध्याय पाठ पूरे हुए। इस प्रकार दूसरे दिन पहला अध्याय 1, तीसरे दिन दूसरा और तीसरा अध्याय और 2 हो गए, चौथे दिन चौथा अध्याय 1 हुआ, पांचवें दिन पांचवा, छठा और सातवां अध्याय 3 हो गया, छठवें दिन आठवां, नौवां और दसवां अध्याय 3 हो गए, सातवें दिन ग्यारहवां अध्याय 1 हुए, आठवें दिन बारहवां और तेरहवां अध्याय 2 का पाठ करें। इस प्रकार कुल 13 अध्याय का पाठ हुआ। नौवें दिन देवी सूक्त, न्यास, नवार्ण जप आदि करके पाठ की समाप्ति करें। नौवें दिन देवी सूक्त, न्यास, नवार्ण जप आदि करके पाठ की समाप्ति करें। इस प्रकार एक दिन में पूरा एक पाठ हो जाएगा। पाठ प्रारंभ हो चुका है और जन्ना शौच या मरना शौच लग गया है, ऐसे में क्या करें? यदि यह पाठ व्यक्ति स्वयं कर रहा हो तो आगे का पाठ ब्राह्मण द्वारा कराकर पाठ की संख्या को पूरी करें। इसमें पूजन की सामग्री इत्यादि सब व्यवस्था ब्राह्मण ही करें, स्वयं स्पर्श न करें। यदि ब्राह्मण कोई जप आदि कार्य प्रारंभ हो चुका है और अशौच आ जाए तो ब्राह्मण द्वारा ही पूजन कराना चाहिए। स्वयं अशौच काल में विवाह योगोपवीत, स्नान, संध्या तर्पण, जप आदि नहीं करनी चाहिए। धन्यवाद दोस्तों।